हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इन दोनों आज की इस वीडियो में ये दो बेहतरीन टायर्स लेके आया हूँ आपके व्हीकल के लिए। और अगर आपने टायर एक्सपर्ट एडवाइस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ कि आप टायर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है टायर्स के बारे में मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँ और जो है आप अपने व्हीकल के लिए सबसे राइट टायर जो है वो चुने, इसलिए मैं ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जो टायर है, ये दोनों टायर सीएट कंपनी के हैं। दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आती है, यानी कि कट बल्ज एंड बस्ट की वारंटी आती है। और मैं बता दूं कि ये जो है इसका साइज़ 2.75/18 माइलेज ट्यूब टायर है, और ये है 1818 जूम जूम HF फ्रंट ट्यूबलेस टायर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाला टायर है। तो हम इन दोनों टायर्स को आज बारीकी से जानेंगे और दोनों दोनों के बारे में आपको रिव्यू दूंगा। तो चलिए मैं इसी के साथ शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है ये बैक साइड का टायर है और ये फ्रंट का टायर है, जैसे मैंने बोलता है। और ये जो है ट्यूब टायर है, ये ट्यूबलेस टायर है, और ये जो है ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, ये क्रॉस ग्रिप वाला टायर है, और ये माइलेज पैटर्न है, जूम HF पैटर्न है। और जैसे कि दोनों सीएट कंपनी के हैं, ट्यूब टाइप वाला टायर जो है ये इसको ट्यूबलेस करके सेट नहीं कर सकते, आप ये बात हमेशा याद रखें। और इसको अगर कट बल्ज एंड बस्ट आता है, वैसे तो कंपनी वारंटी देती है, लेकिन अगर आपको ट्यूब टायर वाले व्हीकल में आपको ये टायर डलवाना, तो इसमें ट्यूब डाल के चला सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और चलिए हम दोनों के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी 150 KMPH है, 150 KMPH, सॉरी, इनकी मैक्स स्पीड है। और दोनों ही नायलॉन टायर, यानी कि दोनों में धागे होते हैं, और दोनों का स्पीड रेटिंग अलग अलग है। और मैं आपको बता दूँ ये, और पंचर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो टायर होता है, ये अगर पंचर हो जाता है चलने में, या फिर रास्ते में पंचर हो जाता है, तो ये जगह पे बैठ जाता है, और ये जो पंचर होता है तो ये जो है आपको 15-20 किलोमीटर सर्विस दे देता है। और अगर आपका कहीं पे अगर पंचर नहीं बनता है, यानी कि आपको टेक्नीशियन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो आप इसमें हवा भर के भी चलवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ट्यूबलेस का जो टायर का पंचर बनता है, ये 5 मिनट बनता है, ये आधा घंटा खा लेता है, यानी कि ओपनिंग फिटिंग और ट्यूब में जो है वो पंचर बनने का जो सिलसिला है, उसमें आधा घंटा आपका चला जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये दोनों टायर की जो लाइफ है, ये जैसे कि ये फ्रंट का टायर, इसकी लाइफ 50-60 थाउजेंड आपको पकड़ सकते हैं, और इसकी लाइफ मैं आपको बता दूं 35-40 या फिर 45 तक भी जा सकता है। इसके लिए आपकी रनिंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, वो भी सब डिपेंड करता है। तो मोस्टली क्या है, अगर आपको टायर की या कोई भी चीज़ की सर्विस लेनी है, वो आपकी ड्राइविंग कंडीशंस और आप कैसे टायर का पूरे पूरे इस्तेमाल करके लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए प्रेशर की अगर हम बात करें, तो प्रेशर जो है दोनों में, अगर जैसे कि अगर आप सिंगल सीट रहते हैं, तो आपका फ्रंट में प्रेशर 25 होना चाहिए और बैक साइड में प्रेशर 35 होना चाहिए। और अगर आपको डबल सीट रहते हैं, फिर व्हीकल पर कुछ सामान वगैरह रहता है, तो फिर आप बैक साइड में 40 प्रेशर रखें और सामने 30 प्रेशर रखें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं। नाइट्रोजन एयर फिल करवाने से टायर की लाइफ 25% इंक्रीज़ होती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाते हैं, तो टायर की लाइफ इसे ऐसे बढ़ती है, क्योंकि उसकी जो एयर होती है वो लाइट होती है, दूसरी बात जो है वो कूल एयर होती है, जिससे वो मॉलिक्यूल जो है चिपक कर रहते हैं टायर्स के अंदर, जो है प्रेशर वो कूल रहता है, जिससे उसको मंथ में एक बार चेक करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि नॉर्मल एयर होता है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है रनिंग में, ये जो एयर होती है ये कम या ज़्यादा नहीं होती रनिंग में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं। नाइट्रोजन एयर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इसलिए जो है नाइट्रोजन एयर इसलिए है, क्योंकि आजकल की जो व्हीकल्स की स्पीड होगी वो हाई स्पीड होगी, यानी कि 80-120 नीचे कोई भी व्हीकल नहीं चला रहा है। तो उस स्पीड में जो है आपको टायर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए नाइट्रोजन एयर आया है, और वो जो है मंथ में एक बार चेक करना पड़ता है। और रेगुलर एयर जो होता है, वो आपको 4 डेज़ या 5 डेज़ या 1 वीक में आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो एयर हॉट होता है, वो मॉलिकुलर कंपाउंड्स थोड़े जो है उससे टायर का जो है लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि वो टायर हीट बहुत जल्दी हो जाता है, और वो जो है जिससे जो है ये टायर का जो टायर को जो है वो उसका प्रेशर कम या ज़्यादा होते रहता है, इसलिए आपको वीक में तो भी एक बार चेक करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जो टायर है ये आपको 5 to 7 पंचर्स तक चल सकता है, और 5 to 7 पंचर्स के बाद आपको टायर रिप्लेस कर देना है, अगर आपके पंचर ज़्यादा हो रहे हैं तो। और जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, ये जो है ये टायर आपको ज़्यादा पंचर तक चल सकता है, क्योंकि
ना, ये जो है इसका टायर का पंचर नहीं बनता, इसका ट्यूब का पंचर बनता है। और अगर आप इसको धकाना चाहते हैं, या कि आप अभी फिलहाल किसी किसी का बजट नहीं होता है तो वो धकाना चाहता है, तो उसका जो है ट्यूबलेस निकाल के इसमें ट्यूब भी डलवा के चला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ट्यूबलेस के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि जैसे कि हाई स्पीड्स में जो है वो टायर जो है वो संभाल लेता है व्हीकल को, क्योंकि अगर पंचर वगैरह हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो जो है हवा जल्दी निकलने नहीं देता, ये इसकी खास बात है। इसकी मैं मतलब बता दूँ, अगर 5 to 7 पंचर्स में जो है आपका टायर रिप्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है टायर की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो 5 to 7 पंचर्स इसीलिए क्योंकि 5 to 7 पंचर्स में टायर का जो है धागा वो थोड़ा लूज़ पड़ जाता है और टायर जो है थोड़ा मुलायम हो जाता है। वेरेज इन ये जो है इसका ट्यूब का पंचर बनता है डायरेक्टली, तो टायर के जो ट्रेड पाथ है इसका, ये जो ट्रेड पाथ है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको बता दिया, इन दोनों की लाइफ भी बता दी मैंने आपको। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर जिसका रनिंग नहीं होता व्हीकल का, उसने 2.5 से 3 साल में टायर रिप्लेस कर देना है, वरना टायर्स में जो है क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसका कंपाउंड सॉफ्ट नहीं रहता, टायर्स का क्रैक डेवलप होते हैं, जिससे जो है टायर्स में रेशे वगैरह भी हो जाते हैं और टायर हार्ड भी हो जाता है, जिससे टायर जो है बाउंस भी कर सकता है और व्हीकल के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा और प्लस आपके बॉडी पार्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है 2.5 से 3 साल में आप टायर रिप्लेस करवा दें। हालांकि आपका रनिंग है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर रनिंग नहीं है तो आप रनिंग कीजिएगा, क्योंकि पड़े पड़े वैसे भी टायर ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि रिकमेंड ये है कि आप रनिंग करके उसकी सर्विस ले लें, और रनिंग नहीं हो पाता तो 2.5 से 3 साल में टायर रिप्लेस कर देना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ट्यूब वाला टायर है और ये ट्यूबलेस टायर है, तो डिफरेंस यही है कि इसका जो साइड वॉल होता है, जैसे कि अभी ये बता दूँ, ये जो साइड वॉल होता है ये जो है सॉफ्ट होता है, और इसका जो साइड वॉल होता है इसका ये हार्ड होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टायर में हवा भरी जाती है और टायर में हवा भरे जा रहे के कारण पूरा दबाव जो है टायर पे आता है, पूरा लोड टायर पे आता है, टायर के दोनों साइड्स सेंटर ये ट्रेड पाथ पे भी आता है और साइड के दोनों दोनों साइड्स पे भी आता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के पॉलीकॉट्स पे भी आता है। और एज इन ये जो है जैसे कि टायर पे ज़्यादा लोड नहीं आता, ट्यूब पे लोड आता है और ट्यूब जो है वो टायर को फुलाता है, तो इसके वजह से जो है इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं फ्रंट या रियर कोई भी ट्यूब टायर और ट्यूबलेस की बात करूं तो इसी ट्यूब ट्यूब वाले टायर की लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट लोड जो होता है उसका ट्यूब पे आ जाता है, टायर पे नहीं आता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्रंट का टायर है और ये रियर का टायर है, तो आप जैसे कि इसको ट्यूबलेस ये जो है मैं आपको बता दूँ, ये जो है इसको फ्रंट में डालने की कभी कोशिश ना करें और इसको बैक साइड में डालने की कभी भी कोशिश ना करें। और इसको अगर आप बैक साइड में डालेंगे तो जो है बैक साइड में जो है टायर आपका स्लिप करना शुरू करेगा, और इसको फ्रंट में डालेंगे तो टायर जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न वाला टायर बैक साइड के लिए सही रहता है, क्योंकि बैक साइड पर इंजन का लोड होता है, पिलन का लोड होता है, जो ड्राइवर होता है व्हीकल का, जो ड्राइवर होता है उसका और उसके साथ जो बैठने वाला उसका, और व्हीकल पे अन्य जो भी लोड होगा, साइलेंसर का, इंजन का जो भी लोड होगा वो टायर बैक साइड के टायर पे आता है। सामने वाला टायर सिर्फ रोटेशन के काम आता है, रोटेशन माने एक तो एयर कटिंग के लिए होता है, यानी कि जिस स्पीड पे आपकी व्हीकल जा रही है उस स्पीड से सामने से जो है टायर के दोनों पॉलीकॉट से ऐसे एयर कट होता है, तो एयर कटिंग के लिए होता है और टर्निंग के लिए होता है, बाकी सामने वाला टायर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है लेकिन ज़्यादा जो जिसके ऊपर भार आता है वो बैक साइड का टायर है। तो बैक साइड का टायर जो होता है वो मैं आपको जैसे बता दूं, बैक साइड के टायर जो है अगर दो बार घिस जाता है तब सामने का एक बार जाता है, क्योंकि इस पे लोड नहीं होता, इसलिए इसका लाइफ डबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके मैंने आपको रनिंग के बारे में बताया और इसके बारे में भी बताया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपरली जो है इसका एयर प्रेशर मेंटेन रखें, टाइम टू टाइम प्रेशर मेंटेन रखें, और जो है टायर में आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं और इसके टायर्स को आप चेक करते रहें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि प्रेशर मेंटेन है या फिर टायर अपने कंडीशन में है या नहीं, अगर आप ये चेक करते रहें तो टायर आपको ज़रूर जो है लाइफ ज़्यादा देगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देगा। तो ये था मेरा रिव्यू 2.7518 माइलेज ट्यूब टायर वर्सेस 1818 जूम HF फ्रंट ट्यूबलेस टायर। ये दोनों अलग अलग टायर हैं, दोनों अलग अलग व्हीकल्स में फिट होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये भी बताना भूल गया व्हीकल्स कौन सी है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो व्हीकल में आता है ये इसमें भी आ जाता है, बहुत पुरानी जो शाइन है उसमें आता है, स्प्लेंडर में आता है, फिर अपना HF डीलक्स पे आ जाता है, ये सब व्हीकल्स में जो है इसमें आ जाता है। ये फ्रंट का ट्यूबलेस टायर है, ये बहुत सारे व्हीकल्स में आता है, जैसे कि पैशन एक्सप्रो, होंडा शाइन, CB शाइन, और अपना ड्रीम नियो, ड्रीम युगा, और
होंडा के ऐसे कुछ 18 इंच के जो भी टायर्स व्हीकल्स होते हैं वो वाले व्हीकल्स में आ जाता है। प्लस अगर हीरो की बात करें तो हीरो में पैशन एक्सप्रो फ्रंट में और स्प्लेंडर आई स्मार्ट ऐसी कुछ व्हीकल्स में आ जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी व्हीकल्स में आता है तो आप इसमें थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन दोनों का जो है व्हीकल्स में जो भी आता है ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिए ये था मेरे इन दोनों टायर्स का रिव्यू, जो जिसका साइज़ है 2.75 18 माइलेज ट्यूब टायर रियर टायर और 1818 जूम HF फ्रंट ट्यूबलेस टायर, जो कि दोनों ही सीएट कंपनी के टायर है। तो टायर एक्सपर्ट एडवाइस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी सवाल हो टायर के रिलेटेड, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक टायर का रिव्यू चाहिए, या फिर आप जो हैं आपको कोई सवाल है टायर्स के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।